फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज की रीडिंग है, क्या आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं? चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, अगर आपको वेट है रीयूनियन का, तो हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इफ़ येस, तो वो कब तक करेंगे? एंड आपके लिए क्या डिवाइन की गाइडेंस है? रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। ज़रूरी नहीं है सबसे करे, अगर करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर मुझे मोटिवेट करें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं कार्ड्स आज किन की एनर्जीज कैच कर रहे हैं। ओम साई राम। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू क्या है, लेट्स चेक। पास्ट लाइफ, ओ माई गुडनेस, आप में से बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, एंड रीयूनियन का वेट कर रहे हो। मैरिड, सिंगल, जो भी हो, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है। एंड करंट फीलिंग्स ये हैं उनकी कि वो पास्ट में आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ करंट फीलिंग के लिए, मोरालिटी। ओ माई गुडनेस, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत ही लहजे में, बहुत ही तमीज़ से बात करके इस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस की एनर्जी है। 15, 16, 17, 18, 10, 5, 6, 7, 8, 19, 28 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए, राइट? तो प्रेजेंट फीलिंग्स इनकी बहुत प्योर है, आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को ये काफ़ी मिस कर रहे हैं और आपसे बहुत ही तमीज वाले तरीके से कांटेक्ट करके, बात करके सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, मैम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? उसका आंसर भी आ गया, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं, उन्हें अफसोस है, उन्हें पछतावा है, उन्हें समझ में आ चुका है कि उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। 8, 17, 26 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ही इस जोडिक साइन से डील करते हो। तो आपके पर्सन बहुत गिल्ट हैं, उन्हें अफसोस है, रिग्रेट है, पछतावा है, और वो बहुत ही तमीज़ से आपसे रिकनेक्ट होकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। तो ये है इनकी प्रेजेंट फीलिंग्स। तो क्या ये रीयूनियन करना चाहते हैं? ओम साई राम। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। यस, ये रीयूनियन करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। 3, 12, 21, 30, 22, 4, 31, 13 इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकती हैं। एक और कार्ड निकालूंगी, क्या ये रीयूनियन करना चाहते हैं? डबल क्लैरिफिकेशन। ओ माय गुडनेस, जो मैंने आपको पहले बोला, यस, डबल कंफर्मेशन, डबल यस, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फैमिली का कार्ड आया है, अगर फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस है तो फैमिली को मनाकर, फैमिली को समझाकर, फैमिली को साथ बिठाकर ये पर्सन रिकन्सिलेशन करेंगे, रीयूनियन करेंगे, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। आपको रोमांटिकली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और साथ ही में गिल्ट में भी हैं, पछतावे में भी हैं। सारी एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल हैं जो कि ये बताते हैं कि डेफिनेटली ये रीयूनियन करना चाहते हैं और 110% ये रीयूनियन करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये रीयूनियन कब तक करेंगे, क्या कार्ड्स निकल के आते हैं कि ये रीयूनियन कब तक करेंगे। द सोर्स, ओ माय गुडनेस, आप लोग ना, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बहुत टाइम से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कई लोग हीलिंग भी करवा रहे हैं। अगेन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है। द सोर्स इज इम्प्लाइंग कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं और बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज या फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट कर लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, अगर बोलो तो 3 to 4 weeks, 3 to 4 days या फिर 3 to 4 months के अंदर। मीनवाइल, आपके लिए क्या गाइडेंस है?
आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो फ्यूचर को फ्यूचर पे छोड़ दीजिए और अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशंस हैं उन्हीं उन्हीं पे वर्क कीजिए, उन्हीं को हैंडल कीजिए। ब्यूटीफुल से चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कार्मिक साइकिल आपके लाइफ के ओवर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बिलीव कीजिए डेस्टिनी में। डेस्टिनी ने आपको मिलाया है, डेस्टिनी आप पर रीयूनियन भी करवा रही है, और रिसेप्टिविटी का कार्ड है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और आपका स्ट्रगल ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ना अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, और डेफिनेटली डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है, एवरीथिंग आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, एंड स्ट्रेस से बाहर निकलो। और अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेसिकली बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, प्रायोरिटी हेल्थ को दो। और अगर कुछ करियर में इशू आ रहे हैं तो करियर को प्रायोरिटी दो। ये थिंग्स तो आपकी कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स या कुछ डेज में डेफिनेटली ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।